और चलिए अब आपको दिखाते हैं रफ्तार के साथ खबरें भारत सुपरफास्ट में। सेमीकॉन इंडिया से पहले पीएम मोदी ने अहम बैठक की, सेमीकंडक्टर एग्जीक्यूटिव के साथ चर्चा की गई। कल ग्रेटर नोएडा में सेमीकॉन इंडिया 2024 का होगा शुभारंभ। आज शाम 5 बजे पीएम मोदी की कैबिनेट की होनी है बैठक, कई अहम फैसलों पर लगेगी मुहर। पैरालंपिक खिलाड़ियों से भी मुलाकात करेंगे पीएम मोदी, 12 सितंबर को खिलाड़ियों से मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी संभालेंगे हरियाणा में प्रचार की कमान, हरियाणा में 5 रैली करेंगे पीएम मोदी, सूत्रों के हवाले से खबर है। 14 सितंबर को कुरुक्षेत्र में रैली करने वाले हैं पीएम मोदी। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी, लिस्ट में 21 उम्मीदवारों के नाम शामिल, 2 मंत्रियों के कटे टिकट। I4C के स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुई गृहमंत्री अमित शाह, कहा साइबर अपराधियों की कोई सीमा नहीं, साइबर धोखाधड़ी को रोका जाना जरूरी। राहुल गांधी के अमेरिका में दिए गए बयान पर वार पलटवार जारी, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी बोले 1984 में सिखों के खिलाफ साजिश रची गई, सिखों के गले में टायर डालकर जलाया गया। नोएडा के दौरे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का किया निरीक्षण, अधिकारियों के साथ बैठक कर दी जरूरी दिशा निर्देश। सेमीकॉन इंडिया के उद्घाटन से पहले सीएम योगी ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया, आज पीएम मोदी कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। 3 दिवसीय सम्मेलन में भारत की सेमीकंडक्टर रणनीति का किया जाएगा प्रदर्शन। मिशन रोजगार के तहत लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी, कहा 6 महीने से पहले नियुक्ति पत्र मिल रहा, नियुक्ति पत्र प्रक्रिया में सिफारिश की जरूरत नहीं। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने किया नामांकन, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और सांसद नवीन जिंदल समेत कई दिग्गज रहे मौजूद, लाडवा विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में है मुख्यमंत्री। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी का स्टेटमेंट, पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का जताया आभार, कहा मुझे लाडवा की जनता का मिला आशीर्वाद, जनता का आशीर्वाद मेरे लिए अमूल्य। रतिया से बीजेपी उम्मीदवार सुनीता दुग्गल ने किया चुनावी प्रचार, लोगों से की वोट की अपील, कहा मैं रतिया को हरियाणा में नंबर 1 बनाने के लिए दिन रात मेहनत करूंगी। हरियाणा में कांग्रेस 15 सितंबर को जारी कर सकती अपना घोषणा पत्र, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत तमाम स्टार प्रचारक करेंगे रैलियां। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान ने किया नामांकन, हुडल विधानसभा सीट से भरा पर्चा, पूर्व सीएम भूपेन्द्र हुड्डा समेत कई दिग्गज रहे मौजूद। हरियाणा के लिए आम आदमी पार्टी की तीसरी लिस्ट जारी, आम आदमी पार्टी ने 11 उम्मीदवारों की लिस्ट की जारी, रादौर से भीम सिंह राठी होंगे आप उम्मीदवार। कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा का स्टेटमेंट, कहा मैं भी बनना चाहती हूं मुख्यमंत्री, हरियाणा में दलित क्यों नहीं बन सकता सीएम, मुख्यमंत्री के पद पर आखिरी फैसला करेगा हाईकमान। केजरीवाल सरकार को बर्खास्त करने की मांग, बीजेपी विधायकों ने राष्ट्रपति को लिखा पत्र, दिल्ली में संवैधानिक संकट का दिया हवाला, राष्ट्रपति ने गृह मंत्रालय को लिखी चिट्ठी। आरक्षण को लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस पर उठाए सवाल, कहा सत्ता में राहत, कांग्रेस ने ओबीसी आरक्षण लागू नहीं किया, देश में जाति जनगणना भी नहीं कराई, जनगणना की आड़ में कांग्रेस का सत्ता में आने का सपना। भड़काऊ भाषण के मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई टली, सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर अब 4 दिसंबर को होगी सुनवाई, याचिका में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को दी गई है चुनौती। गायक कन्हैया मित्तल का यू टर्न, कन्हैया मित्तल कांग्रेस में नहीं होंगे शामिल, कांग्रेस में शामिल होने का फैसला लिया वापस, माफी भी मांगी। मुंबई कांदीवली वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर बने ब्रिज का आधी रात में हुआ उद्घाटन, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किया उद्घाटन, ट्रैफिक मुक्त हो जाएगा कांदीवली वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, लाखों लोगों को रोजाना मिलेगा फायदा। यूपी में अवैध धर्मांतरण के मामले में 14 लोग दोषी करार, मौलाना उमर गौतम समेत 14 लोगों को लखनऊ एनआईए एटीएस कोर्ट ने पाया दोषी। जम्मू कश्मीर के बारामूला से सांसद इंजीनियर राशिद को मिली अंतरिम जमानत, जम्मू कश्मीर चुनाव में प्रचार प्रसार के लिए एनआईए कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत, टेरर फंडिंग मामले में तिहाड़ में बंद है राशिद। कोलकाता रेप मर्डर केस में 23 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में संदीप घोष सहित 3 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। अजमेर में ट्रेन ड्रिल करने की साजिश का मामला, ट्रेन ड्रिलर मामले में एसआईटी जांच के आदेश, अजमेर आईजी ने एसआईटी जांच के आदेश दिए। प्यार की मोतिहारी में रेलवे ट्रैक पर लेट गई लड़की,
आपको बता दें कि लोको पायलट ने इमरजेंसी का ब्रेक लगाया, आधे घंटे तक चला लड़की का ड्रामा। यूपी के जौनपुर में 9 घंटे तक फुट ब्रिज पर चढ़ा रहा युवक, कूदकर जान बचाई, बच्चा चोरी के शक में ग्रामीणों ने दौड़ाया था। बहराइच में एक आदमखोर भेड़िया पकड़ा गया, वन विभाग की टीम ने 5वां भेड़िया पकड़ा है। बहराइच में अभी भी एक और भेड़िए की तलाश, भेड़िए के हमले से अब तक 10 की मौत। हरियाणा के टोल कलेक्शन के नियमों में बड़ा बदलाव, 20 किलोमीटर तक का सफर रहेगा अब टोल फ्री, सैटेलाइट आधारित टोल कलेक्शन सिस्टम को भी मिली मंजूरी।